साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच पर, फेसबुक पेज में। तो भाइयों, आज जो मैं अपने खेत पर हूँ, ये भाइयों मेरा सबसे आगेता खेत है। ट्रेंच विधि 48 इंची बुआई हुई थी इसकी 26 फरवरी को, और सिंगल बर्ड द्वारा इसकी बुआई करी गई थी। भाइयों बुआई के बाद में पानी कर दिया गया था, सारी कुछ वीडियो चैनल पर पड़ी। बाकी का भाइयों इसमें जो हुआ, बारिश के कारण मोथा हो गया, और मोथा हुआ बहुत ज़बरदस्त। तो मोथा भी इस वजह से हो गया कि इसमें दो बारिश हो गई थी, और दो बारिश होने पे जो है कुछ तो जमाव भी प्रभावित हुआ, मेरा ही नहीं बहुत सारे किसान भाइयों का हुआ आपका। और इसमें भाइयों फिर हमने इसमें स्प्रे करा हर्बिसाइड में ऐलान का, भारत वालों की जो ऐलान आती है कोरो सेम्प्रा वाली साल्ट, उसमें उसका स्प्रे इसमें कर दिया था हमने, बारिश की नमी थी। तो स्प्रे करे आए आज लगभग 10 दिन हो गए भाइयों, खेत भी अब सूख गया था। तो इसमें आज हमने सिंचाई करी इसकी, तो देखो अब जाकर मोथे का कलर ऐसा हुआ। अब आगे पता चलेगा कि पानी आने पे और कितना गलेगा, ये कितना रंग मतलब इसका पीला होगा। तो आज इसकी सिंचाई कर रहे हैं, आज लाइट ने भी तमाशा बना रखा, दो बार भाग ली। सोचे थे इसमें हल्का हल्का पानी फिर जा और इसे फिर अपना सिंचाई आगे और किसी खेत की करेंगे दूसरे की। तो भाइयों मेरे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे मेरे पास में कि ऐलान का स्प्रे करने के बाद में भैया उसमें दिखाई हो क्या रिजल्ट आया, तो इसीलिए हमने अपना आज वीडियो शूट करी। तो भाई इसमें 10 दिन बाद देख सके, और 15 से 20 दिन बाद भी मैं इसकी 15-20 दिन भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी दिखाऊंगे कि किस तरीके का मौसम हुआ। तो हमने भाइयों कभी पहले सेम्प्रा नहीं करी, पहली बार में अब की बार में करी, तो ऐलान का स्प्रे करा। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि हम तो सेम्प्रा पे विश्वास रखें, लेकिन दुकान वाले ने तो बता के यही दी थी कि सही अच्छा काम करेगी। बाकी भाइयों जमाव देख लो आप, इसमें कई काम हमने अपने हिसाब से करे, वे गलत हो गए। ये रिंग पिट भी दिखे भाइयों, देख लो इधर 0238 है, और इधर भाइयों 13235 है इन लाइनों में, दो लाइन 0238 की, एक 13235, एक कोलक 14201 की है। तो भाइयों आज इस खेत की सिंचाई कर देंगे, उसके बाद में रिजल्ट का पता चलेगा कि क्या आता है आगे। बाकी की वीडियो इसकी 15-20 दिन पे, ये देखो वैसे मोथे का काम शुरू तो होना शुरू हो गया, ये देखो जड़ गलनी शुरू होगी। जमाव की बात करें तो भाइयों जमाव तो ये मोथा एक बार सूख जा तो कहीं अगर दिक्कत होगी तो गैप फीडिंग कर देंगे सीड ला के थोड़ा सा, और दोबारा से अभी तो टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो किसानों का भारी नुकसान हुआ आपकी जो बारिश हुई, वो गलत टाइम पर होगी, ईंख भी सब पछती होगी, अप्रैल माह का फागण का गन्ना पूरा लोगों का, सरसों नहीं कटी थी, गेहूँ को लुटा दिया। तो देखो ये तो प्राकृतिक आपदा है, ऐसा कोई नहीं, अब दिक्कत आओगी इसमें जमाव में भी, या कहीं सीधापन रहेगा तो वो काम हमें करना पड़ेगा। बाकी का दो बारिश ने मोथा इसमें खूब रेज बेज का कर दिया था, तो ये खेत हमारा कैडा पड़ेगा हमें थोड़ा सा। तो भाइयों मिलते हैं 15वें दिन इसकी वीडियो फिर बनाऊंगे, आज स्प्रे करने के बाद में 10वां दिन है, तो देखो कैसा रिजल्ट है इसमें।